लड़ेंगे, कट्टर साहब के खिलाफ, किसी राजा के खिलाफ लड़ेंगे, प्यादे के खिलाफ नहीं? देखिए, राजकुमार सैनी जी का आप पूरा इतिहास अगर उठा लें, जिस पार्टी ने उनको सत्ता में चमकाने का काम किया, उन्होंने बाद में उसी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। चाहे बंसीलाल जी की बात हो, उन्होंने उनको मिनिस्टर तक बनाया, लेकिन उनकी सरकार गिराने में अगर सबसे बड़ा कोई हाथ था तो राजकुमार सैनी जी का था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक वो राजनीति में गुमनाम जिंदगी जी रहे थे। उनको इतने बड़े कद के कांग्रेस के नेता के सामने, नवीन जिंदल के सामने लड़वाया और उनको इससे भारत की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बनाने का काम किया, लेकिन मान सम्मान उनको हजम नहीं आया। क्योंकि व्यक्ति जब अतिवादी और व्यक्तिवादी और महत्वाकांक्षी हो जाता है तो उसको संगठन, उसको समाज, उसको संस्था कुछ दिखाई नहीं देती। राजकुमार सैनी जी को समाज से, राजकुमार सैनी जी को मेरा सीधा सीधा कहना है, प्रदेश की जनता से या किसी से कुछ नहीं लेना। उनको केवल अपनी सत्ता लोलुपता है, उस लोलुपता को पूरा करने के लिए वो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। और कितने लोगों का क्या हशर हुआ है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, सैनी साहब भी जानते हैं। अंदर से वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, तभी वो बार बार कह रहे हैं कि जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, भाजपा ने मुझे निकाला नहीं। वो तो उनको लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, लेकिन वो सामने कह नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी उनको लेगी भी नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी को राजकुमार सैनी जैसे जो छुरा भोंकू नेताओं की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जहाज है और समुद्र के अंदर तैरना हमें खूब अच्छी तरह से आता है। ऐसे जो नौसिखिए और जो जहाज को डुबोने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। राहुल गांधी 500 की 543 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का भट्ठा आज भी डूबा, कल भी डूबा। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक से हुए हैं। और मुझे लगता है हम किसी अपने नेता की रैली कराएं ना कराएं, 543 सीटों पे अगर राहुल गांधी कांग्रेस का प्रचार करने जाते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से भाजपा की जीत की गारंटी है। तो राहुल गांधी जितनी सीटों पे खड़ा होंगे, भाजपा को उतना ही फायदा होगा, हमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। तो लगता है कि अब जो है इनेलो का उसको जनाधार खत्म होता जा रहा है इन चीज़ों पर असर। देखिए, मेरा सीधा सीधा मानना है, जो पार्टी समाज की राजनीति नहीं करती, लोगों की राजनीति नहीं करती, उनके हित की राजनीति नहीं करती, केवल एक व्यक्तिवाद को या एक व्यक्ति को आगे रखकर जब हम, या एक परिवार को आगे रख के हम पार्टी को बढ़ाते हैं, तो लोगों का मोहभंग होना से स्वाभाविक है। चौधरी देवीलाल जी ने जिस समय इनेलो की स्थापना की, उस समय कांग्रेस से लोग तंग आए हुए थे, चरम के ऊपर कांग्रेस का जो तानाशाही थी, और देवीलाल जी को लोगों ने एक अल्टरनेट के रूप में लिया और देवीलाल जी ने अच्छा शासन इस प्रदेश में दिया। लेकिन बाद में ज्यों ज्यों उनके परिवार के अंदर ये सत्ता का स्थानांतरण होता रहा, तानाशाही बढ़ती रही और लोग अब इनेलो की आपसी लड़ाई, जो जजपा, जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, वो प्रदेश को कैसे संभाल सकते हैं। तो लोगों को सच्चाई का पता चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र को आगे लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला नारा है कि देश पहले, पार्टी उसके बाद में और स्वयं सबसे आखिर में। तो इस नाते चलने वाली लोग पार्टी है, लोग साथ जुट रहे हैं। राहुल गांधी